बड़ा बढ़िया बढ़िया प्रेम नारायण गोविंद। अब देखो एकांत शब्द का दूसरा अर्थ आपको सुनाता है। भक्ता एकांत नो मुख्या, जो एकांत में भगवान से मिले सो एकांती। एकांत में भगवान से मिलने का क्या अर्थ है? देखो जी, सभा में बैठ के और भगवान का नाम लेना और भगत राज बन जाना, ये दूसरी बात है। बोला जिस समय तुम एकांत में बैठते हो और तुम्हारे मन को देखने वाला कोई नहीं रहता है, उस समय तुम्हारे मनी राम किसकी भक्ति करते हैं? एक महात्मा ने कहा कि जब 10 बजे रात के बाद एकांत हो जाए और सोने का समय हो, उस समय देखो कि तुम्हारा मन क्या करता हुआ सोता है, और जब 4 बजे 5 बजे जगे तब देखो कि तुम्हारा मन उस समय क्या करता हुआ जागता है। जागने के बाद तुमको पहले किसकी याद आती है? इष्ट देव की याद आती है, गुरु जी की याद आती है, घर वाले गुरुदेव की याद आती है। गुरुदेव एक घर में भी होते हैं। तो असल में तुम्हें स्मरण किसका होता है? स्मरण की पवित्रता ही भक्ति की पवित्रता है असल में। तो अपने दिल के एकांत में किसका सुमिरन करते हुए सोते हो और किसका सुमिरन करते हुए जागते हो और अपने दिल में किसकी पूजा करते हो, यही बात तुम्हारी स्थिति को प्रकट करने के लिए काफी है। इसको दूसरा कोई नहीं जान सकता, इसको तुम जानते हो। स्व संवेद्य स्थिति है। तो जैसे पति पत्नी एकांत में मिलते हैं, वैसे भक्त और भगवान अपने हृदय के एकांत में मिलते हैं, और जिसको एकांत में मिलते हैं वो एकांती हो गया। अच्छा, ये एक जगह बताया कि ये एकांती भक्त हो जाने पर भी शास्त्र का ध्यान रखना। वेद शास्त्र पुराण आदि पांचरात्र विधिं विना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पातायैव केवलम्। ये भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने किसी पुराण का वचन उद्धृत किया है। तो आजकल तो लोग शास्त्र का ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं ना, बोलते हम जो करेंगे सो ही हमारी सब ठीक है। देखो, अपनी अकल से जो पूर्ण किया जाता है वो अभिमान का हेतु होता है और उससे पतन होता है। और दूसरे की अकल से अगर आदमी कभी पाप भी कर बैठे तो उसमें अपनी जिम्मेवारी घट जाती है। वो कृत पाप नहीं होता, कारित हो जाता है। कृत नहीं होता, कारित हो जाता है। तो कृत की अपेक्षा कारित जो पाप है वो हल्का होता है, और फिर ग्लानी होगी और फिर अभिमान टूटेगा और मनुष्य की उन्नति होगी। जो अपने गुरु शास्त्र की आज्ञा और मति के अनुसार चलता है उसकी उन्नति होती है, और जो अपनी कल्पना अपने बनाए हुए रास्ते पर चलने लगता है वो अंत में गिर जाता है। क्योंकि ये तो महाराज यह प्रेम कौपन करारो महा तरवार की धार पे धावनो है। ये प्रेम का पंथ बड़ा करारा है, बोला तलवार की धार पर पांव रख करके उसमें चलना पड़ता है। तो अब अनन्य का एकांती माने अनन्य हो। अब एकांती शब्द का अर्थ लो अनन्य। तो अनन्य का अर्थ भी थोड़ा समझने लायक है। कारण ये है कि हम लोग बहुत से शब्दों को जो बार बार प्रयोग में लाने लगते हैं ना, तो उसकी गहराई पर नजर नहीं जाती है। तो हम लोग देखो धर्म शब्द रोज बोलते हैं, प्रेम शब्द रोज बोलते हैं, ज्ञान शब्द रोज बोलते हैं, ब्रह्म शब्द रोज बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ कितने लोगों को मालूम है? तो अनन्य, अनन्य शब्द का अर्थ दूसरा नहीं। तो समझो कि अभी एक व्यक्ति नया नया भक्ति के मार्ग में आया। भक्ति पथ पर चलना तो बहुत ही श्रेष्ठ है, पर उसकी क्या स्थिति है? पर उसकी स्त्री भी है, पति भी है, पुत्र भी है, पिता भी है, मालिक भी है, सेठ जिसके यहाँ काम करता है, सरकार भी है जिसकी प्रजा है। तो अन्य की संति प्रभु रपी अस्थि, दूसरे भी बहुत सारे हैं, उसके माँ हैं, बाप हैं, पति हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, सेठ हैं, सरकार हैं, और ये कौन भगवान भी हैं। तो कभी कभी उनकी याद करता है, कभी उनकी याद करता है, कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है तो कभी महामाया की आज्ञा के अनुसार भी चलता है। माई नाम अपि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को ये महामाया खींचती है और मोहाय प्रयच्छति, मोह के हवाले कर देती है कि हे मोह लो मैं इस ज्ञानी का चित्त तुमको अर्पित करती हूँ, जरा तुम संभालो इसको। महामाया जो है वो ज्ञानियों के चित्त को खींच करके भी मोह के हवाले कर देती है। ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो नारायण कहो ये सब भी हैं और भगवान भी हैं। जैसे कोई मुसाफिर खाना हो, धर्मशाला हो, प्याऊ हो, उस पर 10 जने बैठे हैं, उसमें एक भगवान भी बैठा है, तो ये अनन्य भाव नहीं हुआ ना। अनन्य तो तब होता जब केवल प्रभु होते और तुम होते, मैं होता और मेरा प्यारा होता। अच्छा बोले ये अनन्य भाव का विरोधी हुआ, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, कभी उनकी कभी उनकी, चित्त भटक रहा। नारायण कहो अब बोलो कि नहीं, प्रभु केवल एक एव, स एव नियंता स एव मत स्वामी, तदतिरिक्त कश्चिन मम स्वामी नास्ति नियामको नास्ते। प्रभु एक हमारे स्वामी हैं, संति भावा अनेके संति हैं, तो बहुत लोग, स्त्री भी है, पुत्र भी है, धन भी है, परंतु नियंता हमारे मालिक हमारे प्रभु हैं, उनके सिवाय दूसरा कोई या। हम सरकार की आज्ञा भी सविनय अवज्ञा कर सकते हैं सरकार के साथ, और सेठ जी से भी कह सकते हैं कि सेठ जी तुम्हारी नहीं चलेगी। अब गुरु जी भी हमारे इष्ट देव के विरुद्ध अगर चलावेंगे तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि हे प्रभु हमारे इष्ट देव के विरुद्ध मत चलाओ, नहीं मानेंगे तो उनको भी हाथ जोड़ लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे ही सही, जो बहुत अनन्य होते हैं महाराज वो क्या नहीं कर सकते। तो लेकिन नियामक हमारा तो हमारा इष्ट देव है, हमारा प्रभु है, हम उसकी आज्ञा मानेंगे, उसके नियंत्रण में चलेंगे, वो हमारा अंतर्यामी है, उसके सिवाय हमारा दूसरा कोई मालिक नहीं है। हैं दुनिया में बहुत से लोग, लेकिन मालिक तो हमारा वही है। अब देखो इसमें स्वामी विषयक एकांतिता आई, स्वामी विषयक अनन्यता आई, कि स्वामी हमारा एक है दूसरा नहीं है। बोले अजी स्वामी की बात क्या करते हो, मेरा उसके है दूसरे लोग, परंतु मेरा अकेला वही है, दूसरा कोई नहीं है। दोनों में फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं? एक तो मेरे बहुत से हैं, स्त्री भी है, पुत्र भी है, धन भी है, तो बहुत लोगों को तो धन नियंत्रण करता है, वो उनका ईश्वर कौन है का धन, तो वो जिधर बुलावे उधर जाएंगे, वो कह देता है यहाँ आओ हम तुमको मिलेंगे, तो धन से मिलने के लिए वो नरक में भी जाने को राजी है। तो उनको बुलाने वाला, उनको चलाने वाला, उनका नियंता कौन है का, उनका नियंता साधन नहीं है धन है, उनका नियंता साधन नहीं धन है, उनका नियंता बाधन है, उनका नियंता बंधन है बंधन। अब बोले हैं तो, परंतु मेरा तो एक ही है नियंता। अच्छा ठीक है, नियंता ईश्वर है और सब भी मेरे हैं, हाँ मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरा बेटा है, लेकिन वो मेरा नियंता नहीं है, मेरे मेरे बहुत हैं पर नियंता प्रभु है। अब देखो आगे बढ़ो तब ये बात आई ध्यान में कि मेरा कोई नहीं है, मेरा तो एक प्रभु ही है। ये सब जो है ये कालका देवी रोड के यात्री हैं, ये पैदल रोड पर जैसे मोटर में दौड़ने वाले लोग मेरे तो नहीं है ना, हैं तो सही, मोटरें दौड़ती हैं और पैदल भी चलते हैं, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन वो कोई मेरे हैं? ऐसी सारी सृष्टि में जिसको स्त्री कहते हैं, पति कहते हैं, पुत्र कहते हैं, सास कहते हैं, ससुर कहते हैं, ये सब हैं तो सही परंतु मेरे नहीं हैं। मेरे के पेट में तो केवल एक ही है। अब देखो अनन्यता ये दूसरे ढंग की हो गई, मेरे बहुत हैं पर नियंता प्रभु है, प्रभुत्व विषयक अनन्यता एक हुई और ममत्व विषयक अनन्यता दूसरी हुई। ये भेद कर लिया इसका हो, मेरे बहुत से हैं पर नियंता भगवान, नहीं मेरा कोई नहीं है, मेरा भगवान नियंता भी और मेरा ममत्व, नियंत्रित्व विषयक अनन्यता और ममत्व विषयक अनन्यता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न छोए, जैसे राखो वैसे रहो एक, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
मेरे का संबंध दूसरे से जुड़ता ही नहीं है, मेरा दूसरा कोई होता ही नहीं है। ये महाराज मैं जो है ना, मेरा 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 नारायण कहो, न तुम किसी के मेरे हो, न तुम्हारा कोई मेरा है, ये भ्रम ही है। न तुम्हारे रखे कोई रखे रहेगा, न किसी के रखे तुम रहोगे। एक प्रभु जिसको जैसे रखेगा उसको वैसे रहना पड़ेगा। अगर अपनी अपनी चलती मनुष्य की, तो सभी ईश्वर न हो जाते हो, सभी ईश्वर हो जाते हैं, हमारी ऐसे चलेगी, हमारे ऐसे चलेगी। अब तीसरी बात देखो, भगवतः अन्यत् किंचित् नास्ति। पहले क्या बात थी कि मेरा भगवान है, भगवान के सिवाय दूसरा कोई मेरा नहीं है, दूसरे हैं बहुत पर मेरे नहीं है। अब ये बात आई कि भगवतः अन्यत् किंचित् नास्ति, भगवतः अन्यः कश्चित् नास्ति, भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। अब ये क्या हुआ, इसमें तत्व विषयक अनन्यता हो गई, तत्व विषयक अनन्यता हो गई। सोना के सिवाय न कड़ा है, न कंगन है, न कुंडल है, न हार है, सो नहीं सोना सब है। तत्व विषयक अनन्यत्व ये हुआ कि प्रभु के सिवाय और कोई नहीं है, न मेरा न मेरा। सवाल ही नहीं रहा, जब है ही नहीं तो शून्य में कौन किसका मेरा है, भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं है, वो भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। भगवतः अन्यत् जगत नास्ति और भगवतः अन्यः कश्चन नास्ति, कोई नहीं है। अब देखो एकांत हो गया, एकांत क्या हुआ कि प्रभु और मैं, बोले भगवतः अन्यः अहम अपि नास्मि, भगवान से भिन्न मैं भी नहीं हूँ, समा गए भगवान में। बोले मत्तः अन्यः भगवान अपि नास्ति, ये तत्व ज्ञान की दृष्टि हो गई, भगवान से अन्य मैं नहीं हूँ और मुझसे अन्य भगवान नहीं है, दोनों एक हैं। तो तस्यैवाहं ममासौ च त्वमेवाहं इति त्रिधा भगवत शरणत्वं स्यात् साधनाभ्यास पाकतः, मैं उसका हूँ, तुम मेरे हो और तुम और मैं दोनों एक हैं। बोला तो भगवता अन्यः अहम नास्मि, ये सायुज्य विषयक प्रतिपत्ति, ये सगुण बाद में होती है, जिसमें ईश्वर सगुण है, मैं भगवान से जुदा नहीं हूँ। अगर ऐसा किसी को ज्ञान होवे कि मैं भगवान से जुदा नहीं हूँ, तो ये शंकराचार्य वाला जो उपनिषद तत्व ज्ञान है ना, वो नहीं हुआ। मैं भगवान से जुदा नहीं हूँ, ये सगुण ईश्वर की प्रतिपत्ति हुई कि सगुण ईश्वर सर्वरूप है और मैं भी उससे जुदा नहीं हूँ, वही जगत है, वही तुम हो, वही मैं हूँ, वही सब है, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है, ये सगुण ईश्वर विषयक प्रतिपत्ति है। और निर्गुण ईश्वर विषयक कहती है कि मत्तः अन्यः ईश्वरोपि नास्ति, मुझसे अलग वो भी नहीं है, उससे अलग मैं नहीं हूँ, ये भक्ति है, और मुझसे अलग वो नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। तो अनन्यता जो है, अनन्यता कहती एकांति माने अनन्य, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभिजुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं, ये भी है तुम भी हो, ये भी है तुम भी हो, अनन्या माम चिंतयन्तः, स्वयं अनन्या संतः माम चिंतयन्तः, स्वयं अनन्य हो जाए और मेरा चिंतन करे। तो चिंतन की प्रणाली बताए, पर्युपासते नित्याभिजुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो चिंतन की प्रणाली क्या है, एक तो पर्युपासते, परि माने सर्वत्र, देश में हो परिता सर्वता उपासते, एक तो देश में यहाँ भगवान और यहाँ नहीं, ये बात कट जाए, और नित्याभिजुक्ता नाम माने अब भगवान और तब नहीं, और तब भगवान और अब नहीं, काल में जो भगवान का भेद है वो कट जाए, सर्व काल में भगवान है, काल भगवान को भिन्न करने में समर्थ नहीं, ये तो हुआ नित्याभिजुक्ता नाम, रात में दिन में सायं प्रातः और जीवन में मरण में समाधि में विक्षेप में नित्याभिजुक्ता नाम। और पर्युपासते माने दाहिने बाएं सामने पीछे ऊपर नीचे भीतर बाहर, और अनन्या माने दूसरा विषय नहीं। तो देश परिच्छेद को काटने के लिए पर्युपासते हैं,
काल परिच्छेद को काटने के लिए नित्याभिजुक्त का नाम है और विषय परिच्छेद को वस्तु परिच्छेद को काटने के लिए अनन्या है। अनन्या है माने परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो भक्ता एकांतिनो मुख्या अनन्य सेता सततम यो माम स्मरति नित्यतः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ऐसे जो भक्त है महाराज वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बोले भगवान तो सब है भाई, तो फिर तो काम ही बन गया कि भगवान सब है। बोले भगवान सब है लेकिन ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा सब जगह है और महात्मा कहीं कहीं। महंगा महात्मा है, ईश्वर महंगा नहीं है बोला। महंगा महात्मा है, कीमत महात्मा की ज्यादा है। जब महात्मा सुदुर्लभा, सुलभा नहीं दुर्लभा। तो यूं कहो कि श्रद्धालु के लिए सुलभा और अश्रद्धालु के लिए दुर्लभा, दोनों उसमें है ना। सु और दुह का योग विभाग कर दो, एक बार लभा के साथ सु जोड़ो सुलभा और एक बार उसके साथ दुर जोड़ो दुर्लभा। तो श्रद्धालु के लिए सुलभा और अश्रद्धालु के लिए दुर्लभा। अतः महात्मा सु और दुर दोनों, महात्मा दुर्लभ ही है लेकिन वासुदेव सर्वम, भगवान तो सब है। जब सब जगह पानी बहता होवे तो कीमत से खरीद के नहीं पीना पड़ता, लेकिन पानी सब जगह ना हो तो पैसा खर्च करके मंगाना पड़ता है। ईश्वर को पाना हो तो श्रम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, त्याग चाहिए, वैराग्य चाहिए, महात्मा चाहिए। तो और बोले सब ईश्वर है फिर तो कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या बात है। तो भक्ता एकांतिनो मुख्या। अब कल वाला अर्थ वो तो रहस्य का अर्थ है, कल जो सुनाया था वो तो रहस्य है और आज जो सुनाया ये शास्त्रीय अर्थ है एकांतिनो शब्द का। माने प्रधान और मुख्य माने भगवान के मुख के साथ संबद्ध, और भक्ता माने उनका भोग्य बन गया और भक्त माने उनका भजन करने वाला। भक्त माने उनका भात बन गया, भोग्य, और भात तो मुख्य ही होता है ना, मुख से खाया जाता है इसलिए भात मुख्य होता है। अब बताते हैं कि ये भक्त लोग जो हैं ये केवल अपने को ही पवित्र नहीं करते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती चेनो, किसकी बोले जस्मिन कुले वैष्णव नाम धेयम। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती चेना, कुल पवित्र हो गया, माता कृतार्थ हो गई, पृथ्वी धन्य धन्य हो गई, जो एक बार भगवान का अनन्य भक्त हो गया, भगवान से अनन्य हो गया। तो ये भगवान का भजन जो है सर्वोपरि है। गद गदा प्रवते यस्य चित्तम रुदत्यधीक्षणम हसति क्वचित् च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। श्रीमद् भागवत का श्लोक है। कंठावरोध रोमांचाश्रवे परस्परम लभमाना पावयन्ति कुलानि पृथ्वी च। जिस समय ये प्रेम में फर करके और भगवान की चर्चा करने लगते हैं, नारायण नारायण नारायण। भागवत में बताया कि स्त्रिया बिचाना में साधु वार्ता, जैसे लंपट लोग आपस में बैठ करके स्त्रियों की चर्चा करते हैं, वैसे भक्त लोग आपस में मिल करके भगवान की चर्चा करते हैं। रसा स्वाद पूर्वक मजा आता है, वर्णन करते करते कंठ रुक जाता है, बोला नहीं जाता, क्या आनंद है। कंठावरोध रोमांच, शरीर जो है वो कटाल हो जाता है, जैसे कटाल में कटाल तो आप लोगों ने देखे होंगे, पनप फल जैसा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुदरी छिड़के प्रसंग में मुनि मद माही अचल हुए बैसा, पुलक शरीर पनप फल जैसा, शरीर में ऐसी फुलकावली छाई गई जैसे कटहल का फल हो उस कंटकित, माने दबाने से भी उसके रोए जो हैं वो दबते नहीं है। कभी कभी ऐसे खड़े होते हैं कि बहुत देर तक खड़े रहते हैं, वाणी गदगद हो जाती है। ये जो लोग संसार में विषय भोग का आनंद लेते हैं ना, उनको धन खर्च करना पड़ता है,
श्रम खर्च करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, मन देना पड़ता है, फंसना पड़ता है। और नारायण कहो भगवान का जो आनंद है ना, उसमें न पैसा लगाना है न श्रम करना है। अरे काहे को लुट रहे हो भाई, दुनिया में काहे को दिल लुटाते हो, अपने भीतर ही तो भगवान है, कहीं बाहर नहीं है। द्रवते यस्य चित्तम्, भगवत गुणानुवाद का गान करते समय, भगवत गुणानुवाद का गान करते समय वाणी गदगद हो गई, चित्त द्रवित हो गया, रुदत्यधीक्षणम् रोने लगा, बारंबार रोता है। प्रेम करे और रोने से डरे तो उसका जाति से बहिष्कार कर दो, प्रेमियों के पास में उसको बैठाओ, निकाल दो उसको, जाति से निकाल दो। अगर तुमको रोना नहीं था, दुखी नहीं होना था, तो इस रास्ते में पाँव काय पर रखा, लौट जाओ अभी अच्छा है। जो शीश स्थली पर रख न सके वो प्रेम गली में आए, लौट जाओ प्रेम की गली को, काय को कलंकित करते हो। भगवान के प्रेम की गली अगर इधर उधर भटकना था, इनसे उनसे प्रेम करना था, तो भगवत प्रेम की गली में आए क्यों, काय को भक्ति का मार्ग, काय को भक्ति का मार्ग कलंकित करते हो। अरे भक्ति के मार्ग पर आए हो तो लो भाई, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा फेर दी प्रीत करो जनी कोए, वाग गदगदा प्रवते जस्य चित्तम्। अरे ऐसी बेहोशी आती है महाराज, याद नहीं देता है क्या हो रहा है। राधा पुना तु जगद अच्युत दत्त चित्ता, मंथा नमा कलयती दधि रिक्त पात्रे। कीर्ति रानी ने कहा, बेटी राधा आज हमारे घर नंदनंदन श्याम सुंदर आए हैं, थोड़ा गाय तो इसके ताजा दूध ले तो आओ बेटी, थोड़ा मक्खन तो निकाल लो, दही जमाया हुआ कल का रखा है, पद्मगंधा पद्मगंधा कृष्णा गाय का दही जमाया हुआ है, बेटी लेके मथानी जरा सब मक्खन तो निकाल लो, ताजा मक्खन नंद नंदन श्याम सुंदर को खिलावे, सद्यो नवनीत सदमान सद्य तत्काल निकाला हुआ। अब बेटी राधा गई तो मंथान मा कलयती दधि रिक्त पात्रे, देखा नहीं किस बर्तन में दही है कि नहीं, लेके मथानी और खाली बर्तन में घुमा रही है, क्यों कि बोले नजर तो वहाँ लगी है ना, दृष्टि तो है कृष्ण पर। अद्भुत है जब प्रेम की चर्चा करने लगते हैं ना, क्या आनंद है इसमें, वाणी गदगद हो जाती है, शरीर में रोमांच हो जाता है, आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है, गाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम्, रो रहे हैं रुदस्य वीक्षणम्। कभी कभी हंसी भी आ जाती है जब देखते हैं कि भगवान भक्त के हाथों पराजित हो गए, हो हार गए। भगवान अगर भक्तों के हाथ हारा न करते तो ये भक्त लोग ज्यादा टिकने वाले नहीं है, हो ये अपने स्वामी को हरा हरा के ही टिकते हैं, ये भक्तों की विशेषता है। एक ज्ञानी थे, वो बोले भाई अब तो हम भक्त ही बनेंगे। अरे क्यों भाई, ज्ञान छोड़ के भगत क्यों बन रहे हो? तो बोले भगत बनेंगे तो हमारे पीछे पीछे भगवान चलेंगे और हमारे पांव की धूल उड़ के उनके ऊपर पड़ेगी तो बड़े खुश होंगे, बोलेंगे कि हम पवित्र हो गए, तो भक्त ही होना अच्छा है। अब देखो भगवान के ऊपर अपने पांव की धूल डालने के लिए जो भगत बनेगा वो कभी भगत हो सकेगा? वो तो कभी भगत हो ही नहीं सकता जो ये सोचता है कि हम भगत बन जाएंगे तो हमारे पांव की धूल भगवान लेंगे। जो ये सोचता है कि भगवान हमारे अधीन हो जाएंगे, हम उनको हरा लेंगे, उनसे अपने मन की कराएंगे। हे भगवान, गोहन दिया वृषभम निरुंदन। तो भगवान को कभी देखते हैं कि भक्त से हार गए भगवान, बड़ी खुशी हुई, ईश्वर ने अपनी ईश्वरता जो है ना वो छोड़ दी, भगवान ने अपनी भगवत्ता छोड़ दी। क्यों? क्योंकि अपने भक्त के प्रेम को देखा और उस पर अपनी ईश्वरता निछावर करके किसी ऐसे वैसे को दे दी, ईश्वरता ऐसे वैसे को दे दी और स्वयं मधुर होकर के भक्त के अधीन हो गए। गोपी ने कहा, ओ श्याम सुंदर है, देखो आज शाम को हमारे घर में आ जाना। और श्याम सुंदर आ गए अंधेरे घर में, आके खड़े वो अंधेरे में, उनका शरीर मिल जाता है, वो मिल जाता है। तो घर में बुलाने वाली गोपी की सास थी, उसने छौंक दिया और लाल मिर्च जो डाली छौंक में, धुआं उठा तो ठाकुर जी को खांसी आई तो खांसने लग गए। जो खांस दिया तो उस दास बोली, ये खांसता कौन है? अरे अब दो बोली, हमको क्या मालूम कि तुम्हारे घर में कौन है? बोले अरे कोई चोर तो नहीं घुसा? लेके लखिया दौड़ी। अब श्याम सुंदर भागे जा रहे हैं,
और वो लतिया लेके खदेड़ती जा रही है, और उधर भक्त जो है वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये भगवान, देखो ना ये भगवान की गति है कि लतिया ले करके बुढ़िया दौड़ रही है और ये भागे जा रहा है। तो ये हसत से हसी आ गई, हसत से हसतिक वशिष्ठ है। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, कभी लज्जा छोड़ करके भगवान के सामने भक्त लोग गान करने लगते हैं। ये शर्म झूठी है, वो ये जो संसार की लज्जा है ना, देखो कितनी लज्जा छोड़ते हैं। दूसरे से कुछ लेना हो तो लज्जा छोड़ते हैं, स्त्री पुरुष लज्जा छोड़ते हैं, माँ बेटे लज्जा छोड़ते हैं, नारायण को संसार के लिए कितनी लज्जा छोड़ते रहते हैं। बोले अरे राम राम, हम इतने भले मानुष होकर के जोर से भगवान का नाम लेंगे, अब वहाँ भले मानुष बन जाते हैं। सोचो ना, भगवान का नाम लेने में भलमनसाहत बिगड़ती है, और जोर से गाली देना हो, नौकर को पुकारना हो, वहाँ भलमनसाहत बनती है। तो भक्त लोग जो है विलज्ज उद्गायति, विलज्ज होकर के गान करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा गाना सुनने के लिए भगवान आ गए। जहाँ जहाँ भक्त लोग गाते हैं वहाँ वहाँ भगवान आते हैं। गाने वाला भक्त होना चाहिए। दक्षिण में एक मंदिर है भगवान का, वहाँ पुजारी की लड़की थी तो वो रोज फूल लेकर के आते थे, जाके बगीचे में खुद फूल उतारती, फूल चुनती और लेकर के आते। तो जब फूल चुनती, जब गाती रहती हो, तमसि मम जीवनम, तमसि मम भूषणम, तमसि मम भव जलधिरत्नम, गीत गोविंद का गान करते। अब ठाकुर जी निकल आते मंदिर में से और उसके पीछे पीछे घूमते, तो कांटों में जाती, कहीं कुछ में जाती, ठाकुर जी के कपड़े फट जाते हैं पर उसके पीछे पीछे घूमते हैं। पुजारी आके किवाड़ी खोलता, देखता ठाकुर जी के कपड़े बिल्कुल तार तार, अरे ये क्या हुआ, कौन भीतर, ताला बंद रहता है किवाड़ी बंद, और ये किसने कपड़े फाड़ दिए। अब महाराज जब लगे खुफिया वाले, पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि लड़की गीत गोविंद गाती हुई कांटेदार वृक्षों में घूमती है और उसके पीछे घूमते हैं भगवान, तो इनके कपड़े फट जाते हैं। बोला मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ भगवान के भक्त गान करते हैं, चार चीज भगवान को पसंद है, राग और राग। राग माने हृदय का राग भगवान से किया जाए, वो प्रेम अनुराग, और राग भगवान को राग सुनाया जाए संगीत, और भोग, और भोग, भोग और भोग माने भगवान के भोग का स्मरण किया जाए और भगवान को भोग लगाया जाए। दो तरह का भोग और दो तरह का राग। मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनापि, जिसके हृदय में मेरी भक्ति आ गई, मेरी प्रीति आ गई, वो खुद पवित्र हो जाता है, इसके बारे में तो क्या कहना। वो तो भुवनम पुनापि, चौदहों भुवन उसकी उपस्थिति से चौदहों भुवन पवित्र हो जाते हैं। तो परस्परम लपमानाः, जिस समय चार दीवाने मिल करके बैठते हैं, महाराज चर्चा चल रही है भगवान की, कंठा रोध रोमांचाश्रुभि, आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं, शरीर में रोमांच होता जा रहा है, कंठ गदगद हो रहा है, और चार दीवाने भक्त मिल करके आपस में बातचीत कर रहे हैं, और भगवान भी कहीं से छिप करके कि देखें हमारे बारे में कि क्या बात करते हैं, आके उनके सामने कहीं आड़ में उनके पास आके खड़े हो जाते हैं। वैसे भक्त पावयंती कुलानी पृथ्वी, ऐसे भक्त अपनी पीढ़ी की पीढ़ी तार देते हैं और सारी धरती को तार देते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणी, सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणी। असल में भक्तों ने ही तीर्थ को तीर्थ बनाया। पुंडरीक भक्त न होते तो पंडरपुर क्या होता, गोपियाँ न होती तो वृंदावन क्या होता, दशरथ कौशल्या न होते तो अयोध्या क्या होती। अरे बाबा, तीर्थों को तीर्थ बनाया है भक्तों ने। जहाँ भक्त बैठ गए वहाँ तीर्थ हो गया, जहाँ भक्त ने स्नान कर लिया वहाँ तीर्थ हो गया, ये भक्त की महिमा। अच्छा भाई, अब कल सुनाएंगे, आज ईश्वर कृपा से शांति पाठ करेंगे।